तो फ्रेंड्स, फोटो अपनी फोटोशॉप सीसी में ओपन है। अभी मैं फोटोशॉप सीसी यूज कर रहा हूँ, तो चलिए कर लेते हैं एडिटिंग स्टार्ट। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले इसमें कलर करेक्शन करना है, इसलिए हम कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करेंगे अब। तो देखिए दोस्तों, ये कलर बैलेंस अब ठीक हो गया। यहाँ पे इसका एक कलर बैलेंस हो गया, इसमें सेचुरेशन, फिर ये क्लैरिटी, फिर इसमें आने का है। यहाँ पे मैं शाडो निकाल लूँगा, थोड़ी डार्क है तो थोड़ा लाइट कर दूँगा, लाइट बढ़ा दूँगा। हाइलाइट्स, हाइलाइट से यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर लूँगा। देखिए दोस्तों, आप आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखिए यहाँ पे रेड शर्ट है, रेड कलर का, तो हम उसका कलर करेक्शन करेंगे। यहाँ पे डार्क कर देंगे उसको। देखिए दोस्तों, शर्ट डार्क हुआ। अभी हम पैंट को करेंगे, ब्लू है इसलिए ये ब्लू इधर बढ़ाने का है। इस तरीके से आप थोड़ा डार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, अब ओके कर देता हूँ मैं इतना करके। देखिए दोस्तों, अपनी इमेज किस तरह स्किन क्लीन करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये टूल लूँगा। इस टूल से आप को हार्डनेस इसकी कम कर लेनी है, ज़्यादा होगी तो सिर्फ आपको टचअप करने का है। जहाँ पे भी आपको थोड़ा स्पॉट ऐसा लगे या डार्क डार्क हो स्किन पे, वहाँ पे आपको ऐसा टचअप कर लेना है। और ये जितना छोटा आप रखेंगे सर्कल, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये राउंड को छोटा ही रखने का है। इस तरीके से अब मैं इसको टचअप कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं ज़्यादा डीप में नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे से करना। फ्रेंड्स, अब हमें स्किन स्मूथ करनी है। तो दोस्तों, स्किन स्मूथ करने के लिए हम फिल्टर में जाएंगे और निक कलेक्शन में एक कलर एफएक्स प्रो लेंगे अपन। इसमें आपको ये यहाँ पे डायनामिक स्किन सॉफ्टनर, ये डायनामिक स्किन सॉफ्टनर से आपको का है। फिर यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करने का है। फिर इस एरो को यहाँ पे आप स्किन पे ऐसा एक बार टच कर दीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा करने पे आपकी जो ये इमेज है, इसके ऊपर और एक इमेज आ जाएगी, जो कि स्किन स्मूथ हो जाएगी उस लेयर में। मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं विंडोज़ में जाके लेयर ओपन कर रहा हूँ। F7 से भी आ जाता है वो, लेकिन देखिए दोस्तों, अपनी स्किन इस तरीके से अब स्मूथ हो गई है। तो आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आप जितना रखना चाहोगे उतना। तो अभी मैं इसको, इन दोनों इमेज को मर्ज कर दूंगा। अब मैं देखिए दोस्तों, इस तरीके से दबा के आपको ये दोनों इमेज सिलेक्ट करनी है और कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो ये एक ही इमेज में आ जाएंगे। दोस्तों, आप जब भी काम करोगे तो आपको लेयर पे काम करने का है। अब हम यहाँ पे एक नई लेयर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश लूँगा, ये ब्रश टूल। ये ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ से रेड कलर लूँगा और यहाँ पे मैं अभी इस तरीके से ब्रश घुमा दूँगा। ये हार्डनेस इसकी स्मूथ करने की है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप जेंट्स के फ़ोटो में भी और गर्ल्स के फ़ोटो में भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम इसको थोड़ा ब्लर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने अब ब्लर कर दिया और हम इसको सॉफ्ट लाइट करेंगे। ये देखिए सॉफ्ट लाइट। तो दोस्तों, अभी ये पूरा लिपस्टिक की तरह हो गया है, तो हम इसको कंट्रोल बी करेंगे। कंट्रोल बी करके हम इसको येलो कलर की तरफ ले जाएंगे।
थ्रेड हम इसमें से निकाल देंगे पूरा इस तरीके से। कलर मैंने येलो कर दिया है। और अब दोस्तों अब ये इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है तो हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी अब कम कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इरेजर लेंगे जो कि है ये इरेजर लेंगे और इस इरेजर को इस तरीके से यहाँ पे हम जहाँ पे अपने को ये नहीं चाहिए इसा गोल राउंड घुमा देंगे। तो भी मुझे अभी दूर से देख रहा हूँ तो ज़्यादा लग रही है दोस्तों, इसलिए हम और कम कर देते हैं। दोस्तों अब हम फिर से इसको मर्ज कर देंगे, सिर्फ दबा के सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल ही करना है। फिर से हम एक नई लेयर बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे फिर से ब्रश लेंगे और यहाँ पे वाइट कलर लेंगे से और ब्रश टूल लेके हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसा ब्रश घुमा देंगे। देखिए दोस्तों फिर हम इसको फिर से सॉफ्ट लाइट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी भी कम कर देंगे। फिर हम इरेजर लेंगे, इरेजर से यहाँ पे ऐसा कर लेना है। फिर इधर आपको जहाँ पे भी आप इरेजर करोगे ठीक से तो ये जिस जगह पे आपको नहीं चाहिए वो इफेक्ट यानी सिर्फ आँखों पे ही चाहिए वाइट कलर दिखाना है इसलिए, तो आप इसकी ओपेसिटी आपके हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। अब हम इसको भी फिट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम ए वाला लेंगे टूल और इससे हम थोड़ा डार्क कर लेंगे आइस को। आप देखिए इस तरीके से आपको एक क्लिक करना है और इधर भी एक क्लिक करना है। अगर इधर दो क्लिक करते हो आप तो इधर भी दो क्लिक कर दीजिए। इसका इफेक्ट आता है दोस्तों लेकिन वो अपने को नज़र नहीं आता है थोड़ा सा इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सपोजर जो है वो 20 का ही रखा है। ऐसा मैं अभी आईब्रो पे भी घुमा रहा हूँ। देखिए दोस्तों अपना अब ये फोटो इतना एडिट करूँगा मैं, ज़्यादा डीप में नहीं करूँगा दोस्तों। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कटिंग के लिए मैं ये वाला टूल लूँगा, मैग्नेटिक लासो टूल। तो दोस्तों अब कटिंग कर लेता हूँ मैं फटाफट और अभी मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स कटिंग अपनी हो चुकी है पूरी। अभी मैं इसको फेदर दे देता हूँ, दो का फेदर दिया। अभी हम थोड़ा कटिंग को अंदर की तरफ लेना है मुझे 1%, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफाई में, इसको 1% ऐसे इधर से अंदर लूँगा। देखिए दोस्तों आपको फ़र्क देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कटिंग 1% अंदर की तरफ आ गई है। तो दोस्तों हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे इधर ही। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अपना फ़ोटो कटिंग हो गया है। दोस्तों मैंने इतनी ज़्यादा एक्यूरेट कटिंग नहीं की है लेकिन आप करोगे तो अच्छे से ही करना। अभी हम जो अपने को नहीं चाहिए वो भाग जो कटिंग गलत हुई है वो डिलीट कर लेते हैं इसमें फेदर लगा के। यहाँ पे फेदर 2% कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा जो यहाँ पे गलती हुई है वो मैं ठीक कर रहा हूँ। अब फेदर दिया दो, डिलीट किया। देखिए दोस्तों अब अपना
पूरी इमेज कटिंग करके अब रेडी है। तो अब हम बैकग्राउंड ले लेंगे, कंट्रोल ओ करता हूँ, और ये बैकग्राउंड मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, ये वाला, इसे ले लेते हैं। दोस्तों आप जितनी बड़ी इमेज पे काम करोगे उतनी आपको डिटेलिंग अच्छी मिलेगी, बाद में आप उसको अपने हिसाब से छोटी साइज में क्रॉप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऐसा रख दिया है इसको। दोस्तों हम क्या करेंगे, इरेजर इरेजर टूल लेंगे, इरेजर, ये देखिए इरेजर टूल। फिर इसकी जो ऑपेसिटी हम कम करेंगे यहाँ से 20, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ। बराबर फ्रेंड्स, अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से न्यू लेयर पे हम ब्रश ब्रश करना है। अब ये ब्रश टूल ले लेता हूँ मैं, ब्रश टूल। अब हम यहाँ पे ब्रश घुमाएंगे इस जगह पे, ऐसा इस तरीके से मैंने ब्रश घुमा दिया इस जगह पे। दोस्तों हम इसको ब्लर करेंगे थोड़ा, थोड़ा ब्लर इस तरीके से हम ब्लर करेंगे, लेकिन इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे। दोस्तों अब हमें यहाँ पे थोड़ा टचअप करने की ज़रूरत है। अब हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों आप जब भी काम करोगे तो लेयर पे ही काम करना, इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी काम करने में। दोस्तों मैं अभी फिर से इरेजर टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा घुमाना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये हम हटा देंगे तो मैच नहीं होगा जो हमने यहाँ पे ब्रश का ये इफेक्ट दिया है, इसलिए इसे हम रहने देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा और ओपेसिटी कम कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, अब ये इतना तो हो गया अपना। तो फ्रेंड्स, अभी जो हेयर स्टाइल है मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने हेयर स्टाइल भी हेयर स्टाइल की इमेज भी डाउनलोड करके रखी है, तो हम उस पर वो हेयर स्टाइल मैच करेंगे। दोस्तों आप गूगल में हेयर स्टाइल PNG सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये हेयर स्टाइल हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको ये टूल लेना है, सॉरी ये टूल लेना है आपको। फिर हम ऐसा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई और अंदर ले लेते हैं थोड़ा। तो अभी कॉपी पेस्ट करते हैं इधर, देखिए दोस्तों इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको रख देना है ये। यहाँ पे थोड़ा आपको इरेजर यूज़ करना पड़ेगा मैच करने के लिए, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। इरेजर कर दिया मैंने। तो दोस्तों हम इसका और एक क्लियर करेंगे, जैसे कि Ctrl J दबाने से क्लियर हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये दो लेयर हो गई है उसकी, तो हम इसको यहाँ से इफेक्ट, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से हम यहाँ पे इसमें इफेक्ट चेक करेंगे डार्क वाला। देखिए दोस्तों ये बहुत ही डार्क इफेक्ट आ गया है। तो
हम इसकी ओपेसिटी ऐसे कम करेंगे इसमें मैच करने के लिए। इस तरीके से आप तो ये अपना हेयर स्टाइल मैच हो रहा है। अभी इस इमेज को, ओरिजिनल वाली इमेज को हम यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देंगे, जो कि हम इस ब्रश से करेंगे, इस वाले टूल से। अभी मैं यहाँ पे जो ऊपर एक्सपोजर है वो 40 40 कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे इधर भी घुमा दीजिए। अभी इमेज को दूर से देख लेते, थोड़ा इधर थोड़ा सा लग रहा है मामूली, तो इसको फिर से हम इरेजर से कट करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अब ठीक लग रहा है थोड़ा, अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हेयर स्टाइल तो अब मैंने लगा दी दोस्तों। यहाँ पे हम इसमें और एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, जो कि मैंने नेट से डाउनलोड किया है एक, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। तो हम इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, फिर बाहर की साइड को ऐसा घुमाने में ज़्यादा हो गया। फेदर दो सीवी कर लिया इसको, ये अपनी इमेज है इधर, इसमें कंट्रोल वी किया मैंने। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपना इफेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, अब हम ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि अब मैं कंट्रोल जे करूँगा। ये देखिए एक लेयर बन गया। हम इसको एफएक्स से ड्रॉप शैडो लगाएंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये ड्रॉप शैडो आ गई है, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम ड्रॉप शैडो लगाएंगे, पूरी डार्क लगा देंगे उसको, ये देखिए इस तरीके से। लगा दी दोस्तों, ओके किया। अभी ये यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम कर देना आपके हिसाब से। मैंने इतनी ओपेसिटी दे दी, तो फोटो एडिट होके तैयार है। लेकिन अब हम थोड़ा बैकग्राउंड पे काम कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बैकग्राउंड के लिए यहाँ से कैमरा रो में जाएंगे इसको फिर से। देखिए दोस्तों, ये अपना बैकग्राउंड है, तो हम इसकी सैचुरेशन जो है वो सैचुरेशन में अभी इसको बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए। और इसका जो कलर बैलेंस है वो मैंने सेट किया। अब हम थोड़ा शैडो को भी थोड़ा ये कर लेते हैं, हाइलाइट्स को डार्क, हाँ डार्क लाइट थोड़ा, इस तरीके से आप बैकग्राउंड को एडिट कर लेना इस तरीके से। फिर हमें कलर्स में छेड़छाड़ नहीं करनी यहाँ पे, तो हम सीधा यहाँ पे एफएक्स में जाएंगे और इसको ऐसा डार्क ब्लैक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड इस तरीके से तैयार है। आज पहले जो हमारा बैकग्राउंड था तो वो ऐसा था, अब मैंने बैकग्राउंड को इस तरीके से एडिट कर दिया। तो दोस्तों इतना ही है। तो अब आप यहाँ से सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ई कीजिए, ये अपनी फिट हो जाएंगे दोस्तों। अब हम इस इमेज को
इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे जो कि है अल्टर आईडी से। देखिए दोस्तों ये दो हो गए अपने पास, एक कॉपी की एक ओरिजिनल। तो हम इस कॉपी को यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से हम एसडीआर टोनिंग, हाँ एसडीआर टोनिंग में लेंगे। और एसडीआर टोनिंग में लेने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरीके से लेंगे और इसको ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों ये अपनी इमेज इस तरीके से हो गई, पहले इस तरीके से थी अब इस तरीके से हो गई। तो हम इस इमेज को इस इमेज में रख देंगे यहाँ से, और इसकी ऑपेसिटी हम इसे कम कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से अपनी इमेज लगेगी। पहले ऐसी दिखती थी, अब इस तरीके से कलर्स में बदलाव आ गया। तो अब इसे मैं फिट कर देता हूँ। हम इसको 6:8 बैकग्राउंड में रखेंगे। देखिए दोस्तों अपनी इमेज पूरी तरीके से रेडी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों।